और आइए आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो कि हमारे सहयोगी चैनल हेडलाइंस टुडे की छानबीन है। इस विशेष तहकीकात में क्या है आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। मुंबई में पिछले 12 साल से तैनात संयुक्त अरब अमीरात के वाइस काउंसलर जनरल अल मरजूजी की कंपनी से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि एक राजनयिक जो कि भारत में स्थित है उसका नाम जुड़ा है दाऊद इब्राहिम से। मजरूम की कंपनी चलाने वाला शख्स दाऊद का खास आदमी है। हेडलाइंस टुडे के पास यह खास जानकारी मौजूद है जिसमें इस मामले की जांच अब सीबीआई करने वाली है और यह है हेडलाइंस टुडे की खास पेशकश जो हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के गुटखा कारोबार में नया खुलासा। यूएई के सीनियर डिप्लोमेट पर सवाल। वाइस कौंसुल जनरल से होने वाली है पूछताछ। सीबीआई करने वाली है जांच। यह तस्वीर है मुंबई में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के एक सीनियर डिप्लोमेट मोहम्मद रहमा माजिद अल मजरूई। मजरूई पर गुटखा कारोबार को लेकर उंगली उठने लगी और सवालों के घेरे में उनकी चैनल फाइव ट्रेडिंग कंपनी। इस कंपनी को चलाता है गौस शेख और गौस शेख को माना जाता है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खासम खास गुर्गा। इसी मामले की सीबीआई जांच करने वाली है। इस गुटखा प्रकरण में आज तक के सहयोगी चैनल हेडलाइंस टुडे को उच्च स्तरीय सूत्रों से जानकारी मिली कि लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड सीबीआई को 100 पन्नों का खुफिया दस्तावेज सौंपा है। इस दस्तावेज में कहा गया है मुंबई में पिछले 20 साल से रह रहे मजरूई की कंपनी चैनल 5 ने 2001 से खाड़ी के देशों में मणिकचंद गुटखे के डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखना शुरू किया।